जी देखिए, बात यह है कि लोग निशादर का तेल, दूसरी चीज़ें जब बग़ैर रसूल के तैयार करते हैं ना, ये देखिए, निशादर का तेल नमी के अलावा धूप में भी तैयार होता है और बिल्कुल क्रिस्ट। ये देखें, ये धूप में तैयार हो रहा है और इसको देखें, ये बिल्कुल कायमुल नार जारी तेल बनेगा। ये बिल्कुल खोपरे की तरह है। ये तकरीबन 9 आगों में पक चुका है, पिछले 2.5 महीने से तैयार हो रहा है, फाइनल है। अब ये देखें, बिल्कुल खोपरे की तरह है। ये कायमुल नार जारी निशादर का तेल बनेगा और ये धूप की रोशनी से बन रहा है। इसी तरह ये गंधक का तेल बन रहा है। ये देखें, ये गंधक का तेल, ये गंधक आप साइडों में देख रहे हैं, ये सारा तेल है गंधक का। ये धूप की रोशनी से सारा गंधक का तेल बन रहा है। जो चीज़ें असूलो, ये देखिए, और ये फौलाद बन रहा है कुश्ता। ये देखिए, जो बिल्कुल सुरख रंग में तैयार होता है। ये देखिए, ये लोहे के कनस्तर के पीस में आप देख रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने असूलों के ऐन मुताबिक तैयार होंगी, चाहे वो खुराकी हो चाहे पोशाकी हो। तो जब ही काम होता है, अगर खुराकी हो या पोशाकी चीज़ें आप जल्दबाजी में पेशेंट के बगैर बगैर असूलों से बनाएंगे तो ये मुकम्मल नहीं होती।